और रुको, यहाँ हमारा होने वाला था भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट। और एक उनकी बाइक है ये सुपर मीटियोर। अभी अपन वहां से आए हैं ऊपर। अच्छा आर्मी ट्रक आ रहा है तो अभी हम जा रहे हैं भाई भीम ताल के ना एकदम लेक वाले कैफे में। देखो ये रहो कैफे दोस्तों। भैया जान दो मैं, चलो एक दो बाय। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मेरी दबी दबी आवाज सुनकर को लग रहा होगा कि मतलब क्या हुआ भाई, बीमार हुआ नहीं हूँ। सुबह सुबह उठना पड़ता है, ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा घाटा लगता है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो नींद पूरी हो नहीं पाती है। तो फिलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको मैं नहीं बताऊँगा, आगे पता चल जाएगा। अब आपको मिलता हूँ सीधा आगे तो बनाना ब्लॉग में, कहीं बढ़िया जगह जा रहे हैं, मज़ा आएगा। मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ तो देखते हैं, होपफुली बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम जो पहला स्टॉप लेना वो यहाँ लिया है बीकानेर वाला में। भाई लिटरली भैया बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड, और भाई ऐसी हालत है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। आई स्वेयर भाई बाइक ना अभी ठंड चलाऊंगा अभी आपसे, और मैं चलाई भी नहीं थी अभी, चलाऊंगा अभी नहीं मैं, बहुत ठंड हो रही है भाई, हालत में नहीं आ रही है। बाल कैसे हो गए मेरे, बोला भी जा रहा हूँ उससे। ऐसा देखो यार पूरा ही कोहरा ही कोहरा है। और एक बात और मैं एड्रेस कर लूँ कि वाला रास्ते मैंने देखा था एक दो मतलब जानवर ना जमीन में एकदम मरे हुए हैं, तो गाड़ी चल रही है तो वो थोड़ा देख के चलाना, मतलब उनकी जान भी मतलब वहाँ जितनी इंपॉर्टेंट है यार, वो मतलब थोड़ा बुरा लगता है तो बस थोड़ा देख के गाड़ी चलाना। और अभी देखते हैं करते हैं बीकानेर में खाना। अच्छा बैग चलाने भी नहीं है भाई क्योंकि इतनी ठंड में तो मेरी हालत ही नहीं होगी। बाप रे भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है, हालत खराब वाली हालत खराब भाई। मैं तौबा कर रहा हूँ भाई बाइक से बचूंगा ठंड में, गाड़ी बस पकड़ लो ट्रेन पकड़ लो। तो अभी रुके हम फैमिली ढाबा में, एक और ब्रेक लिया हमने अभी यह रुद्रपुर, जल्दी दो दो ब्रेक ले लिए हमने। और हमारे साथ जो दो लोग और जुड़े हैं ना, दिखाऊंगा आपको कौन जुड़े हैं। एक तो हमारी बाइक है और एक उनकी बाइक है, ये सुपर मीटियोर भाई अलग ही है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम लग रहा है मुझे, जैसे हमारी मीटियोर का ज़्यादा है ना, बट लक फाड़ रही है भाई ये, इसमें बहुत काम कराया है इनने। हम फिर ना कॉफ़ी भी यहाँ, फिर अब निकलते हैं आगे, यहाँ से हल्द्वानी सिर्फ रह गया 30 किलोमीटर समथिंग। तो अभी करते हैं फ्यूलिंग जरा पेट्रोल की। ओन दो ओन दो ओन दो किसने लग रहा है एक से बहुत तकड़ी पड़ी है कौन सी मशीन है यार जीरो नहीं है अरे जीरो तो बहुत दूर पे है मैंने उसे यार काटो काटो और करो बस 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 क्या बड़े सामने तो एकदम पहाड़ी पहाड़ छोटे पहाड़े में आगे बढ़ जाएंगे और अलग ही लग रहा है भाई। पूछ रहा भाई से भाई बाईपास जा रही है ना, यही बाईपास है ना वाला। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे कौन सा ताल था? भीमताल भीमताल के तो यही जाएगा, यही जाएगा ना सबके लिए, यही जाएगा नैनीताल भीमताल में। अच्छा ये नीचे रास्ता है वो, ये भी सेम ही है मतलब ये नया बना है ना। हां भाई मैं कहा पिछला में वहां से आया था तो ये नया बना है। चले सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है पहाड़ों में भाई, एक ट्रक होगी तो भाई इनको देख के हमेशा आगे बढ़ना भाई, इनकी तरह मत चलाना स्कूटी जैसे चला रहे हैं दोनों लौंडे, बहुत ही गलत चला रहे हैं भाई, कितनी मतलब कट कट पे भीमताल से 6-7 किलोमीटर दूर रह गए हैं भाई। मतलब मेरे बगल में क्या व्यू है देखो, मैं दिखाता हूँ, देखो पहाड़ है इसके पीछे, ये पहाड़ है वो पहाड़ सारे गायब हो गए, एक सामने पहाड़ है वो दिख नहीं रहा भाई, पूरी जगह पहाड़ एकदम गायब है। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर दिख रहा पहाड़ की रेंज वो हल्की हल्की दिख रही है, वहाँ पूरे पूरा पीछे पहाड़ गायब और ये हल्का सा उठा हुआ दिख रहा पहाड़, ये पहाड़ मस्त लग रहा है, छोटा सा पिद्दा सा लग रहा है, ये अलग ही व्यू दिख रहा है भाई आला। अभी अपन वहाँ से आए हैं ऊपर, मैं अभी बाइक चला नहीं रहा क्योंकि थोड़ा कुछ मेरा दिक्कत है वो बताऊँगा आपको। यहाँ से ऊपर पूरा घूम के वहाँ से हो गए
जहाँ आए अभी हम, और यहाँ कुछ हिल रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है, आवाज आ रही है कुछ, शिकार ना बन जाऊँ मैं। एक जैसा लग रहा है सांप की तो आ रहे हैं, सांप जो सांप आते हैं ना वह जल्दी गाड़ी, देखो अलग ही लग रहा है। लेकिन भाई ये लोकेशन अलग ही है भाई भाई। अब ये बाज है या चील? अरे अरे बस करो। अच्छा अब ये बाज है या चील बताना भाई कमेंट करके, अलग ही लग रहा है। ओ भाई चलो कूदते हैं दोस्तों, एक दो तीन चार। ये हाल है भाई, पहाड़ भी जाम लग रखा है। दिल्ली से आके भी दिल्ली की उससे आगे नहीं गया हम। अच्छा आर्मी ट्रक आ रहा है तो थोड़ा रोक रखा है ना उनने। जय हिंद। एक ट्रक है क्या? हाँ एक और आ रहा है। अरे एकदम कितने सारे लोग आ गए। बहुत नैरो रोड है भाई दोस्तों, यार यहाँ हालत खराब होगी फंस फंस के, हद से ज़्यादा नैरो रोड है इन दोनों। अब ये तो फंस गए यहाँ पर, अब हमें फंसाएंगे। जा रही हमारे आगे सुपर मीटियो और हमारे साथ वालों की, घुस गए थे अभी हम। तो दोस्तों पहुँच गए हम फाइनली भीमताल, जो कि ताल है। और भाई मतलब मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ पर, तो ये बहुत चेंज था। अब तो मतलब अब दिख रहा है काफ़ी चेंजेस यहाँ पर। पहले तो सारे घर वर भी नहीं थे यार, ये कम से कम लगा लो 2016-17 में आया था, तब इतना भी नहीं था। लेकिन अब तो एकदम अलग ही बना दिया हमने, अलग ही दिख रही है भाई। पहुँच गए अपन भीमताल, सामने पूरी देखो भीमताल की लेक है, ये पूरा का पूरा भीमताल है भाई। मतलब ऊपर है पूरा भीमताल और उसके पूरी भीमताल है, जो ताल है मेन लेक यही है वो। तो मुझे लगा था भाई भीमताल बहुत छोटा, लेकिन देखो कितना बड़ा है भाई। देखो चलो कुछ नहीं है, देखो वहाँ भी घर है, अभी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है भाई भीमताल, और उससे भी आगे भी घर है। तो माफ़ करना मुझे लगा था बहुत छोटा है, लेकिन काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है भाई। देखो पूरा ऊपर भी है भाई, अलग ही लग रहा है ये। मतलब काफ़ी अच्छा है यार भीमताल सच में भाई। मुझे लगा सिर्फ लेक ही लेक है अब छोटा सा, लेकिन भाई लिटरली बहुत प्यारा है भीमताल। तो अभी हम जा रहे हैं भाई भीमताल के ना एकदम लेक वाले कैफे में। देखो व्यू देखो भाई यार, क्या ही बढ़िया है। देखो ये रहो कैफे दोस्तों, चल भाई क्या ही व्यू है भाई। बुलेट चलती हुई मस्त एकदम बीच में लेक, ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। इस सारे कितने सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं भाई। वो जस्ट सामने कोई पानी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, क्या फाड़ लग रहा है। और सामने देखो वो लेक है, तो जस्ट पीछे ऐसा भी लेक है, और उसके पीछे वाला रेस्टोरेंट एक्वेरियम रेस्टोरेंट सुना था उसका मैंने काफ़ी। अब देखते हैं आगे कि वहाँ जाते हैं कैसा होता है, लग तो अच्छा रहा है काफ़ी, बट उसकी अंदर ही मज़ा है, तो देख के आते हैं। भीमताल पैडल बोट स्टैंड आपका स्वागत करता है, निशान है वहाँ पर। वहाँ से नीचे आ गए, अब जो ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट ये है कि हमें खुद चलानी है बोट। तो या तो वहाँ पहुँच जाएंगे या फिर हम यहाँ बीच में दोस्तों तैर जाएंगे। ओ भाई साहब सारी बोट लगी हुई है। बैठो बैठो बैठो, खौफ का माहौल, कंफ्यूजिंग हो रही है पैडल मारने में। हो गया बस ठुक जाएंगे ठुक जाएंगे। बैग कितना बैग करना है? अच्छा पता नहीं, मैं तो पता है यार, गाड़ी गाड़ी की तरह ही चला रही है, गाड़ी से बन नहीं रही। चलाओ चलाओ पहने चलाओ चलाओ चलाओ
तो मैं उल्टा कैसे चलाऊंगा भाई पागल। चलो कोई मैं इंट्रो करा देता हूँ। ये हमारे बुआ जी, हमारे फूफा जी हैं, क्योंकि नरेश चाचू आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, बद्रीनाथ वाले सीरीज में। नहीं देखा तो ऊपर आया बटन में लिंक आ रहा, क्लिक कर लेना। तो अभी क्या है वो है, स्टेटस क्या है? आपको तो मजा आ रहा है उनका? सांस्कृतिक बहुउद्देश्य मंच नगर पंचायत भीमताल। और रुको, यहाँ हमारा होने वाला था भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट। इस ट्रक ने आधा रास्ता खेला था तो हम साइड से गए, वहीं से ना रोड हल्की सी कट रखी है तो मतलब हम रोड ही चले गए। क्लिप देख के आपको लगेगा कि कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि सेकंड में हो गया है, बट भाई लिटरली हम मरते मरते बचे हैं। ठीक है, ये क्लिप एक देखो एक बार। ये देखो, ये जो है ना जगह भाई, यहाँ से अगर हमारी गाड़ी इस पत्ते में लग जाती ना भाई, हमारी बाइक, तो हम नीचे ही रहे भाई। वो तो चाचा भाई लिटरली इतने परफेक्ट राइडर है, उन्होंने बचा लिया कैसे भी करके, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बाइक ऐसे चलाई कि कुछ हुआ ही नहीं, समझ गए? हमने भी बाद में बात करी थी वो, लेकिन भाई क्या ही बचाया उन्होंने भाई, बस बच गए कैसे भी करके आज हम। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना भाई मैंने बाइक ले ली है, मैं थोड़ा चला लेता हूँ, मोटरवर्क कर ही लेता हूँ। ऐसा नहीं देखो, चाचा ने मुझे बहुत बार बोला कि चला ला बाइक, मैंने ही मना करा, क्योंकि यार देखो अभी ना मेरे बैग में कुछ दर्द हो रहा है, मतलब हाँ तो कुछ दिन पहले बैग मारने गया था, सॉरी कुछ दिन पहले फुटबॉल खेलने गया था, तो उससे क्या हुआ कि मतलब मैं गिर गया तो मेरे बैग में दर्द हो रहा है, मतलब पीठ के बल गिरा था। तो मतलब कैसा है कि अगर खेल कूद रहा हूँ तो इतना नहीं हो रहा, अगर ज़्यादा देर गलत पोस्चर में बैठ जा रहा हूँ तब मेरे को बहुत दर्द हो रहा है यार। बट मैंने कहा थोड़ा आए हैं तो चला ही लेते हैं। तो इस ट्रिप में फिर एक पनौती हो गई, मैं अपने गोप्रो को माउंट करना भूल गया, तो मैं हेलमेट में माउंट नहीं कर सकता था, तो मैंने कैसे भी करके ना अपने गोप्रो से माउंट करा था, बट फुटेज थोड़ी अजीब आ रही है क्योंकि थोड़ा नीचे का एंगल दिख रहा था, इसको मुझे माफ़ करना, क्योंकि अगर कहीं ऊपर देखा देखते रह जाऊँगा। सबसे दिक्कत मुझे यहाँ पर बस पहाड़ों में ही लगती है, जैसे कटाते ना ये, तो कभी कभार गाड़ी वाले कुछ ज़्यादा ही धीरे कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ी बाइक भारी है ना, तो कभी कभार दिक्कत भी हो जाती है भाई। लालू भैया जान दो में, चलो एक दो बाय, मिलते हैं आगे आपसे। अब दोस्तों यहाँ से एक दिखा रहा है 30 किलोमीटर मुक्तेश्वर, ट्राई करते हैं पहुँचने का कि कब तक, अब कैसे पहुँचते हैं, कितनी जल्दी पहुँचते हैं, होपफुली अंदर से पहले पहुँच जाए, उसमें थोड़ा बस रोटा लगता है भाई, उसमें थोड़ा चिपका लेता हूँ साइड में बाइक अपनी, काफ़ी आते दे रहे हैं। ओ ये देखो भाई सामने देखो, एक मिनट पेड़ आ गया, आ भाई क्या ही धूप पड़ रही है मुँह पे, जैसे टर्न आ रहे हैं बार बार, तो मतलब मैं मोड़ तो ले रहा हूँ पर मुझे हल्का हल्का ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि होता ना, कि अब देखो मेरे बाइक पे तो मेरा हाथ परफेक्ट सेट है, बट जब किसी और की बाइक चलानी होती है तो थोड़ा ना अंदर वो डर लग रहता है, तो बस वही बहाना है। एक मिनट ये देखो, चाचे भी सोच रहे होंगे भाई कैसे मोड़ रहा है ये, बट अब चलो कोई बात नहीं, मैं तो मैं दिखाता हूँ कि अब पिलियन से क्या क्या बढ़िया बढ़िया हो सकता है, क्योंकि भाई आपको मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में दिखाया है कि मेरे मोटो लॉक के शॉट्स, अब मैं दिखाऊंगा आपको मेरे पिलियन शॉट्स। तो यह है मुक्तेश्वर का द वाइल्ड क्लिफ रिजॉर्ट भाई, हम यहाँ रुके, हमने बहुत रोड देखे,
सब महंगे थे, हमें ये काफी जनरल रेट मिला तो हम यहीं रुक गए। और यहाँ से ऊपर आते हम, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आके नीचे की तरफ ये हमारा रूम, तो दिखा दो आपको रूम कैसा है। तो ये ऐसा रूम है कुछ, मतलब 3 लोग यहाँ सो सकते हैं और 1000 रुपये पड़ा, हमें काफ़ी सही पड़ा है। और ये यहाँ का बाथरूम है भाई, बाथरूम भी काफ़ी ठीक है, तो काफ़ी जनरल रेट मिल गया हमें। तो ऐसा कुछ व्यू है भाई रूम के सामने से, मतलब ये देखो पूरा यहाँ रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है यहाँ पर हर जगह, मतलब काफ़ी सही लग रहा है। और नीचे थोड़ा गाँव की तरफ है, सामने भी एकदम मतलब लाइट रिजॉर्ट वगैरह, और एकदम पूरे देखो चाँद दिख रहा है, तो ये भाई बहुत सही है यहाँ से। सो मैं होप करता हूँ ना आज का आप व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो क्योंकि आज मोस्टली मेरा सारा व्लॉग मतलब पूरा व्लॉग सफ़र का था, तो सफ़र में हमने क्या करा क्या नहीं करा दिखाया आपको मैंने, तो काफ़ी थकान वाला सफ़र रहा क्योंकि पूरी हुई नहीं थी। और देखो मेरी आँखें भी लाल हो रखी क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा नींद आ रही मुझे। तो बाकी इसके बाद जो 2 या 3 व्लॉग आने वाले ना भाई, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि अब हम करेंगे एक्सप्लोर। आज जिन्हें ट्रैवल करता हमने ट्रैवल कर लिया है, तो अब करेंगे एक्सप्लोर। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तो अगले बने रहना। हाँ, जहाँ से पहले बोल जाता हूँ, मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट होने वाला है बहुत ज़्यादा नज़दीकों में, तो ये जितनी सीरीज आने वाली ना भाई इनको फैला देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।